जय हिंद दोस्तों, आप सबके लिए अब एक नया मज़ेदार वीडियो लाया हूँ, गजब की जानकारी देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दरअसल दोस्तों, आप सब देखे होंगे कि ऑस्ट्रेलिया का इस पैट कमिंस जैसा नाम वैसा काम, ये सलाह जिस जिधर से आया पता नहीं किधर से आया, सबको सम्मान करना तो आता नहीं, लो वर्ल्ड कप को क्या सम्मान करेगा भाई, वो उनका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। हमारा प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये उनका प्रॉब्लम है, उनका देश की प्रॉब्लम है, उसका देश का जनता कुछ नहीं बोलता है, लेकिन इंडिया को नाक घुसाने का आदत है हर कहीं पे देखने का। इंडिया सबसे पहले कोई भी मामला हो नाक घुसाने का आदत के ही नहीं है, और जब तक ये आदत इंडिया छोड़ेगा नहीं तब तक इंडिया डेवलप होगा नहीं भाई। वो वर्ल्ड कप का ऊपर अपना पैर रखे या उसका बीबी के, जो आप समझ रहे उसका ऊपर वर्ल्ड कप रखे, वो उनकी प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। हमारा प्लेयर्स जो है जैसे खेला, उन लोगों बोलो ना भाई कि तुम लोग ऐसा क्यों खेल रहे हो, ऐसा क्यों किया, उनका ऊपर कुछ नहीं किया। हाँ पब्लिक बोलेगा मार देंगे गुस्सा, अभी उसके लिए उन लोगों का अब छोड़ा नहीं, हम मानता हूँ भाई साहब। अहंकार उनका नहीं ज़्यादा जितना इंडियन प्लेयर का हो गया था। ये लोग इतनी ज़्यादा मैच जीतते गया, लगा कि ये लोग कभी हारेगा ही नहीं, हार गया ना। तो गलती उनसे ज़्यादा अपने ऊपर उंगलियाँ, ऐसा देखो ऐसा नहीं, दूसरे को उंगलियाँ करने से बेहतर है अपनी इधर घूमा, पता चल जाएगा कौन कैसा गलती किया है। लेकिन आप सब मतलब हम सब का एक देख, मेरा जो चैनल है एडुकेशन चैनल है, हमारा काम है सही सलामत और सही जानकारी भेजना। आप सब लोग उनके लिए व्यस्त मत हो जाओ भाई, उनके लिए आप अपना लोग काम में व्यस्त हो जाओ भाई। देखो वो लोग उनका देश का प्रॉब्लम, उनका देशवासी एक भी कुछ नहीं बोल रहे कि ये सब सम्मान करे असम्मान करे, बात उनका देश का है ना, वो लोग जीता तो उनका प्रॉब्लम है, हमारे क्यों। मतलब क्या है कि इंडिया हार गया, इसलिए हार गया तो भाई हार गया तो दिल से हार गया भाई, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उनका ऊपर क्यों हम ट्रोल करने में इंडिया सबसे आगे रहता है, हर चीज़ में इंडिया आगे किसी का। हम तो गांव से, गांव में देखने का अक्सर, आप गांव वाले से तो आपको पता चल जाएगा, गांव में अगर दूसरा घर में झगड़ा लड़ाई झगड़ा होते रहता है तो बाकी लोग आके सुनते रहे ऐसे कान लगा के, क्यों, क्योंकि हमारा आदत है दूसरे का काम में टांग अड़ाना, हमारा नंबर वन आदत है। ये इंडिया का जहाँ फ्री खाना बांटेगा ना, सबसे पहले इंडिया आगे आएगा, क्योंकि हमारा आदत है फ्री जो भी मिलेगा सब खा जाएंगे, सिवाय एक चीज़ को, किसी को नहीं छोड़ेगा। अरे यूपी में तो रोड को ही उठा के लेके भाग गया, तो क्या चीज़ है, कुछ भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। हालांकि रेल का वो पटरिया अभी बेचा नहीं जा पा रहा ना, नहीं तो उसको भी रेल छोड़ो, रेल का पटरी जो है ना उसको लेके भाग चलता। तो दोस्तों आप सबके लिए एक ही सेक में देता हूँ, देखो भाई दूसरा का प्रॉब्लम है वो समझ गए भाई। भाई आप सब लोग यही कहेंगे कि भाई प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, भाई प्रोटेस्ट करो लेकिन देश के लिए करो, दूसरे देश के लिए नहीं भाई। वो अपना नहीं है, जो अपना नहीं है तो उसके लिए क्यों करो, हमारे देश के लिए करो, लड़ना है तो देश के लिए लड़ो, उनके लिए क्यों। जो कभी, अरे भाई जो सब वो लोग क्या है उनका पट कमेंट्स, नाम क्या है पट कमेंट्स, पट के जगह कमेंट्स की जगह क्लोजा कर देता तो पट कलजा जानते हो, पट कलजा क्या बोलते हो, पट कलजा चिकन का दुकान में मिल जाएगा आपको, बोलने का पट कलजा चिकन का दुकान में, खाने में मस्त लगता है, उनका नाम जैसा काम भी वैसा, तो उनसे क्या रिस्पेक्ट मांगना। जिन लोगों को रिस्पेक्ट देना नहीं आता वो लोग लेने का उतना औकात नहीं रखते। आप मेसी के बारे में सुने होंगे, जब वो वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप में जीता था, अपना रात भर उनको कप को लेकर सो गया था। लेकिन आप सब, हम सब इंडियंस का एक ही आदत है, दूसरे का घर में नाक घुसाने का आदत, और ये जाएगा नहीं। तो दोस्तों मेरा यही एक कहना है कि देखो भाई वो उनका प्रॉब्लम है, उनका देशवासी उन्हें कुछ नहीं कह रहा है, उनका टीम मेंबर भी कुछ नहीं बोलता है, तो आप सब उनके लिए ट्वीट करना छोड़ दीजिए। वो लोग उनके प्रॉब्लम है, वो लोग भाई अब जीता है, जीतने के बाद हमें गाली दे गया, या फिर ऑनलाइन में 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को निराश करने वाला इंडियन टीम को आप लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, लेकिन वो लोग। तो दोस्तों मेरा सबसे यही कहना है कि हर किसी का लड़ाई झगड़ा या हर किसी का प्रॉब्लम में अपना नाक मत घुसाओ। देखो भाई वो उनकी प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम है, हाँ जब देश की बात हो तो सबसे आगे रहना, मौत क्यों ना आ जाए, हम देश को, हम वतन बहुत चुनते हैं जो देश के लिए होता है। प्यार करो तो देश से करो, प्यार करो तो देश से करो, मौत भी क्यों ना आ जाए, फिर भी बॉर्डर पे मरने का
हिम्मत रखो। मौत भी क्यों ना आ जाए लेकिन बॉर्डर पे मरने का हिम्मत रखो। तेरा नाम भी क्या याद रखेगा ते दुनिया, तेरा नाम भी क्या याद रखेगा ये दुनिया। कसम से बोल रहा हूँ, वतन से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इश्क से मरने से बेहतर है अपना वर्दी पहन के मरना। अरे कफन में लेटते तो वो अमीर आदमी, अरे कफन में लेटते तो वो अमीर आदमी, लेकिन हर किसी का साला नसीब नहीं होता बॉर्डर पे मरने का दम। बॉर्डर पे मरने के लिए नसीब की जरूरत है बस, बॉर्डर पे मरने के लिए नसीब की जरूरत होती है बस। क्या याद रखेगा ये दुनिया। तो दोस्तों, किसी की बीच टांग अड़ाने का या ना घुसाने का आदत छोड़ दो। अगर आज तक किया तो किया, लेकिन आगे मत करो। जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, और जो हो गया सो अच्छा ही होगा। कल का इंतजार करना छोड़ दो, आज क्या करो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।